अजमेर पुलिस कप्तान ने शहरवासियों को होली की शुभकामना देते हुए त्यौहार को बड़े ही शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली का त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे और खुशी का त्यौहार है, इसलिए इससे किसी को भी रंग लगाएं तो उसकी इच्छा के अनुसार ही लगाएं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि होली का दहन वाले दिन आनंद के साथ होली मनाएं, किसी तरह के उपद्रव में शामिल ना हों। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा गुलाल से ही होली खेलें, क्योंकि रासायनिक रंगों से होली खेलने पर चमड़ी पर जलन होती है और स्क्रीन खराब होने का भी डर रहता है। होली के त्यौहार के लिए मेरा अजमेर वासियों से निवेदन है कि हमने हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की है कि आमजन बिना किसी डर भय और बाधा के जो है होली मनाए, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि होली रंगों का त्यौहार है, दिलों का त्यौहार है, दिल मिलने चाहिए, ज़बरदस्ती किसी के साथ भी ना हो। जो भी है रंग स्वेच्छा से अपने जो है अपने दोस्तों के साथ होली मनाएं और इको फ्रेंडली होली मनाएं। आप जो हैं गुलाल जो इको फ्रेंडली हैं वो लगाएं, कलर पेंट ना लगाएं, कीचड़ ना लगाएं और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो कोडिया रंग बोलते हैं वो चमड़ी पे बहुत नुकसान करता है और फिर उसको धोने के लिए दो दो बाल्टी पानी और लगती है। तो ऐसा है मेरा मानना है कि भी जितना हो आप, होली का त्यौहार तो मिलन का त्यौहार है, तो गले मिलके जो है एक दूसरे से मिल के त्यौहार मनाएं। और होली का दहन में भी मैं निवेदन करूंगा कि ये हमारे रीति रिवाज हैं, लेकिन जो पर्यावरण को बचाने के लिए हम लकड़ी कम से कम जलाएं, क्योंकि जो लकड़ी जल जाएगी वो हमारे चूल्हे में ही काम आनी चाहिए, ज़्यादा उचित मानता हूँ मैं उसको। तो मेरा निवेदन है कि होलिका में जो दहन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी ना बनाए, ताकि कहीं मोहल्ले में गली में ऐसी जगह जहाँ पर उसकी ज्वाला ज़्यादा फैल जाए तो कोई नुकसान आगजनी हो जाए। तो सिंबॉलिक तौर पे होती है, सिंबॉलिक तौर पे उसको आप मनाएं, बालियाँ सेकें, ओले बनाएं और ओले बना बना के जो है खाएँ, ये मेरी आपसे से विनती है। हाँ जी, पुष्कर पुष्कर, हाँ बिल्कुल, पुष्कर वाली होली के लिए भी अलग से उसी में आदेश में निकाले हुए हैं, लगभग 150-200 के करीब आदमी उसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं और वहाँ पर मीटिंग पहले ली जा चुकी है मेरे और कलेक्टर मैडम के द्वारा। तो पुष्कर की होली में 3 दिन का अलग अलग उसमें फंक्शंस होते हैं, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। देखिए, वो हमने उनसे जो वहाँ नगर पालिका के और जो आयोजक हैं उनसे हमने बात की थी कि कुछ तरीके यदि आप फॉलो करेंगे तो जो इस तरह के जो अवांछित लोग हैं वो अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। अब वो उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, इवेंट मैनेजमेंट टाइप की, कि वो किस प्रकार उसको जो है ऐसी उसको अलाउ ना करें। और मेरा ये मानना है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए, जो लोग आएँ वो बिल्कुल वेरीफाइड हों और सत्यापन के बाद ही उनको वहाँ पर अलाउ किया जाएगा।